लेकिन दोस्तों मैं इधर आया हूँ तो यहाँ पे JDC के जानवर वगैरह लगते हैं। ये पीछे मेरे JDC का ऑफिस है और इन्होंने जानवर वगैरह लगाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये इन्होंने कौन कौन से जानवर लगाए हैं। ये बछड़ा वगैरह है, काफ़ी तगड़ा बछड़ा है। मैं आपको दूसरे जानवर को दिखाता हूँ। अच्छा भाई, हम आ गए हैं मंडी में गाय देखने के लिए। ये कहाँ पे लगती है, कौन सी जगह है? सलामगोट पे JDC। अच्छा, यहाँ JDC का ऑफिस है ना। अच्छा, वहाँ पे ये आते हैं सब जानवर। ये देखिए, ये लिखा हुआ ना। आराम से, बहुत ही बड़ा बैल है ये, बहुत ज्यादा बड़ा है वो। यहाँ के बैल देखे जबरदस्त, जो ऊँचे बैल है जो बहुत ज्यादा ऊँचे हैं माशाल्लाह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कुछ जानवर है, आपको दिखाते हैं। ऊँटों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। दोस्तों ये डबल पान वाले हैं, डबल पान वाले खाला के घर आई थी जामा गिलात की तरफ। तो ये देखें, ये है मज़ार आलम शाह बुखारी का। ये देखें मेरा, और सामने मार्केट बनी हुई पूरी जामा गिलात की मार्केट है। और मैं आगे न्यू मार्केट बनी है वहाँ की तरफ जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ में। और मेरे साथ अरसाद है और इनके पापा जो है हमें छोड़ के चले गए थे जल्दबाजी में, तो आ नहीं पाए व्लॉग में। लेकिन अब वो बाद में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ मैं एक दो दिन के लिए आई हूँ, तो आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। देख लीजिए, ये है जामा मॉल, में आ गई हूँ जामा मॉल की तरफ। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त शॉप लगी हुई हैं, और शॉप्स में जो है वो ब्राइडल ड्रेस हैं, और वैसे भी पार्टी वियर भी है, और बैग भी बहुत सारे प्यारे प्यारे हैं। हैंड बैग ये लगे हुए, ये रहे। और जैसे जैसे मैं चलती जाऊँगी आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। काफी सारे प्यारे प्यारे ड्रेस लगे हुए हैं यहाँ पे, ये रहे। ये पार्टी वेयर भी है, और आप लोग शादी वगैरह में भी पहन सकते हैं, यानी ये इस टाइप के ड्रेस तो बारात वगैरह में भी चल जाते हैं। ये रहे। और अभी हम लोग देखते हैं अपने लिए, अगर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर देखते हैं। अच्छे तो मेरे तकरीबन सारे ही हैं, देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये सैंडल शॉप है, क्या नाम है इसका, मैन ताशा, ये रही। और सैंडलें भी काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं यहाँ पर, ये रही। इन सब के प्राइस क्या है भाई? डिफरेंट प्राइस है। ये 500 की सेल लगी हुई है यहाँ पर, ये रही। और इन सबके जो प्राइजेज हैं वो डिफरेंट हैं, ये रहे। और
काफी प्यारी प्यारी सैंडल लगी हुई है, ये देखें, ये देख लीजिए। इस टाइप की सैंडल तो जैसे पार्टी वगैरह में भी चल जाती हैं, और ये ब्राइडल ड्रेसेस पे भी चल जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है ज्वेलरी भी बहुत प्यारी प्यारी है। यहाँ पे किस तरह के प्राइस होंगे? हैं? डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट प्राइस है। अच्छा, इस शॉप पे भी कोई नहीं है, वरना मैं आप लोगों को पूछ के बता देती। अच्छी लग रही है। हाँ, प्यारी लग रही है। ये बैंगल्स भी बहुत प्यारी प्यारी हैं, देख लीजिए। और ये तो मेरे ख्याल से जो हिजाब पे और क्लिप लगाते हैं ना, ये वो, ये बहुत प्यारे प्यारे आए हुए, अगर आप लोग आना चाहें यहाँ पे। और ये देख लीजिए, फीचर भी बहुत अच्छे लगे हैं। और यहाँ बच्चों के ड्रेसेस लगे हुए हैं, ये मेरे ख्याल से सेल पर होंगे, क्योंकि शॉप से बाहर लगाए हुए हैं। अच्छा, मैं जिस शॉप पे जा रही हूँ ना, वहाँ पे कोई होल सेलर नहीं है अंदर, जिससे कि मैं पूछ लूँ कि भाई कहाँ पर किसने तक के ये ड्रेसेस जो हैं आपने बाहर लगाए हुए। ये देखें, खाली पड़ी हुई है शॉप, ये नहीं। सारे बड़े ड्रेसेस लगे हुए हैं, ये रहे और ये रहे, ये रहे, ये अपनी आनी के साथ आगे आगे चल रहे हैं। और ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है, फ्रॉक ये रही, और ये साड़ी हैं, ब्राइडल ड्रेसेस हैं, और ये वाली में ब्राइडल पे जो है वो चल जाएंगे रिसेप्शन पे। ये अच्छा जी, ये बच्चे जो हैं राइड्स लेने लग गए हैं, और ये मेरी भांजी हैं, ये रही, अब ये टेडी बियर पर राइड्स ले रही हैं। वो रहे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे सामने जो हैं, वो साथ जा रहे हैं, वो रहे, अभी ये लोग वापस आते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहे भाई, काफ़ी सारी लेडीज आ चुकी हैं, वो रही हमारी भांजी, और ये रहे असाद, ये जा रहे हैं, दोनों राइड्स ले रहे हैं। ये रहे, अच्छा नीचे भी बच्चों के लिए काफ़ी सारी राइड्स लगी हुई हैं। ये रही, अभी नीचे जाके देखते हैं, फिर बच्चों को जो है झुलाएंगे इन पे भी। और ये आ गए हैं हमारे बच्चे बारी बारी, ये मेरी भांजी है और असाद, ये आ जाओ। चलो भाई, मजा आया साथ आया। अच्छा देखें, बच्चों के सूट लगे हुए हैं और प्राइस भी इस पे लिखे हुए हैं, ये रहे 480 रुपये लिखे हुए हैं, ये रही, सही है, काफ़ी अच्छी हैं, कि घर में पहन सकते हैं बच्चे, इस टाइप की लगी हुई हैं, ये रही और ये रही, ये तो थोड़ी बेहतर लग रही है, ये अच्छी भी लग रही है बल्कि, ये रही 480 रुपये की तो सही है। और यहाँ पे बच्चों की कुर्तियाँ भी लगी हुई हैं, ये नहीं 700 रुपये लिखा हुआ है, और छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं जैसे लॉन की कुर्तियाँ लगी हुई हैं, सही लग रही हैं घर में पहनने के लिए तो सही है। और ये हम आ गए हैं बच्चों की राइड्स की तरफ, तो हम बच्चों को राइड्स दिलवाएंगे, सब लेंगे, और ये मैं टोकन दिलवाती हूँ फिर से। यहाँ जो लूप भी लगी हुई है, ये रही मेरे ख्याल से 3 मंजिला से है ये, और ये कैमिल भी है यहाँ पे मेरा, हाँ भाई, मैं तो सोच रही हूँ कि यही ले जाऊँ पकड़ के और कुर्बानी कर देती हूँ। ये रहे हमारे बच्चे, चलो आगे देखते हैं क्या क्या है। ये रही, काफ़ी अच्छी लगी है यहाँ पे भी, लड़की होगी, प्यारी प्यारी लग रही है।
भाई ये सेल लगी हुई है सैंडल पे 700-700 रुपए की और बहुत ही प्यारी प्यारी सैंडल है। ये देखिए लड़कियों के सबसे तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये देखिए ये देखिए ब्राइडल ड्रेस यही बहुत ही प्यारे प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रे और लाइट पिंक कलर है। बच्चों के टॉय शॉप भी है यहाँ पे, साद मिनी स्टोर ये लिखा मेरा। और यहाँ बच्चों के टॉयज हैं और बच्चों की चीज़ें हैं काफ़ी सारी। रेडीमेड जो है ये 2000 की सेल में यहाँ लगे हैं, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे मुझे तो, अच्छे नहीं लग रहे थोड़ा। आप लोग अगर किसी के सामने में आते हैं तो आप लोग यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। ये रहे और बच्चियों के भी प्यारे प्यारे ड्रेस हैं। ये रहे तो लग रहा है ये वॉचेस लगी हुई हैं। ये रही और बाबा सूट भी है और बेबी सूट भी है। अच्छा देख लीजिए ये जो है ना जामा की मशहूर कचोरी है और लब्बैक कचोरी कॉर्नर के नाम से है इन लोगों का। ये रहा और ये मेरे बहनों ही, मेरे जो बहनों ही है ना उन्हीं का है ये लब्बैक फूड सेंटर। और यहाँ पे कचोरियाँ बनती हैं तो ये मेरे कज़न ही है इसलिए मुझे देखने नहीं दे रहे। और ये देख लीजिए कचोरियाँ बन रही हैं। ये रही हमारे यहाँ जो है ना सभी मौलाना टाइप के लोग हैं तो इसलिए वो लोग आना पसंद नहीं करते। और जो है ये मेरा कज़न ही है, मैं इसकी तरफ कैमरा करती हूँ तो उधर मुंह कर लेता है। और क्या कहते हैं ये जो है कचोरियाँ बन रही हैं ये देख लीजिए तेल में पड़ी हुई है। ये रही जामा क्लास की जो मार्केट है ना उसके बिल्कुल सामने ही एक गली है, उधर है ये लब्बैक फूड सेंटर के, हाँ जामा मॉल है गली में उसके बिल्कुल सामने है लब्बैक फूड सेंटर। उधर इनकी ये कचोरियाँ बनती हैं, ये देख लीजिए ये पूरा सेटअप इन लोगों ने लगाया है मेरा। और ये शॉप के अंदर होता है यानी सामने से ही जामा मॉल के बिल्कुल सामने से आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये हालात कुछ इस टाइप के हो गए हैं कि पहले जामा किला पे जो है लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब यहाँ शॉप की भी लाइट जा रही है और घरों की भी सबकी लाइट जा रही है। तो यहाँ पे मैं असमत सुरमा लेने के लिए रुकी थी लेकिन सुरमा जो है वो है नहीं। और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, यहीं मेरी खाला का घर है तो मैं वहाँ आई और अब मैं घर जाऊँगी। और मम्मा बताएंगे आपको। हाँ मैं आई हुई थी अपनी खाला के यहाँ, जामा किला की साइड पे है मेरी खाला का घर। और ये सब जो है यानी मेरी बहन की जिठानियों के नहीं देवरानियों के बच्चे हैं सॉरी। और एक जो है ये जो बेटी हैं ये जो है नंद की बेटी हैं इनकी, और वो भी जिठानी की लड़की हैं। और ये मेरी भांजी ये देखिए। और क्या कहते हैं हम लोग जो है बस सुबह नहीं बल्कि दोपहर में निकले थे और सुबह में बहुत जल्दबाजी में हम लोग निकले थे तो टाइम ही नहीं था कि मैं आप लोगों को बताती। बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग यहाँ आ गए थे और ये मुझे छोड़ के चले गए हैं और एक आध दिन मेरा यहीं रहने का इरादा है। तो अभी जो भी मैंने ब्लॉग बनाया अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।